हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से और एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 9A 5G के गेम्स मोड के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस फोन में गेम्स खेलते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है गेम्स का, जिसमें बहुत सारे गेमिंग फीचर्स हैं और न्यू फीचर्स भी एडिट किए हैं। सभी फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गेम्स मोड है ये आपको फोन में ही मिलता है और आपको एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिलेगा गेम्स का। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से इस टाइप का आपको गेम्स का एक एप्लीकेशन मिलेगा। इस पर आप टैप करके इसे ओपन कर लीजिए और आपने जो जो गेम्स आपके फोन में इंस्टॉल किए होंगे यहाँ पे वो शो करेंगे। अगर गेम नहीं भी शो करती है तो आप मैनुअली गेम को माई गेम्स में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन मिलेगा ऐड गेम्स का, इस पर आप टैप करके कोई भी गेम्स को आप माई गेम्स में ऐड कर सकते हैं। और आपको इसके कुछ सेटिंग भी होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सेम ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर लास्ट वाले ऑप्शन सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिए। यहां पे आपको सारे गेम्स के सेटिंग दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है गेम टूलकिट, सेकंड है मूव गेम आइकॉन्स टू गेम्स, देन आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है ऑटो प्ले वीडियोस, फिर अपडेट सेटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब में आपको आंसर कॉल्स ऑन स्पीकर, नोटिफिकेशन स्टाइल, ब्राइटनेस लॉक और स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग का भी ऑप्शन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको इस फोन में दिया गया है। अदर में आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेजोल्यूशन है, उसके बाद में गेम फोकस मोड भी है। ये सारे गेम के सेटिंग है, आप इसे आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको सारे गेमिंग फीचर्स बताऊंगा जिसे आप गेम खेलते हुए यूज कर सकते हैं। गेम्स मोड को ऑन करने के लिए जस्ट आपको इसे लेफ्ट साइड से इसे राइट साइड में स्लाइड करना होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे गेमिंग फीचर्स आपको शो हो रहे हैं। सभी फीचर्स को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ऊपर के साइड में देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है एंड उसी के राइट साइड में है बैटरी परसेंटेज। नीचे आपको थ्री एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो कि एप्लीकेशन शॉर्टकट है जिसे आप गेम खेलते हुए यूज कर सकते हैं। अगर आपने आपके फोन में इसे इंस्टॉल किया है तभी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपको मिलता है व्हाट्सएप, सेकेंड है मैसेंजर, थर्ड है डिस्कॉर्ड। उसी के नीचे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर टैप करोगे तो आपको थ्री डिफरेंट मोड मिलते हैं। फर्स्ट है लो पावर मोड एंड सेकेंड है बैलेंस मोड, थर्ड है प्रो गेमर मोड। तो डिपेंड करता है आपके गेमिंग के हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए खेल रहे हो तो आप प्रो गेमर मोड सेट कर सकते हैं या फिर बैलेंस मोड या फिर लो पावर मोड। फिर उसके राइट साइड में गेम फोकस मोड का ऑप्शन है, जहां पे अगर आप टोटली फोकस कर रहे हैं गेमिंग पे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन स्टाइल है उसे आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ब्लॉक, सेकंड वाला ऑप्शन है बुलेट नोटिफिकेशन, थर्ड वाला ऑप्शन है हेडसअप नोटिफिकेशन। तो ये आपके हिसाब से आप यहां पे सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहां पे राइट साइड में और भी बहुत सारे गेमिंग फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आपका गेम प्ले जस्ट आप टैप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपको यहां पे टच ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, फिर यहां पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट, नीचे सिस्टम स्टेटस का भी आपको ऑप्शन मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और न्यू एडेड फीचर वो है वॉइस चेंजर। आपको यहां पे रियलमी 9A 5G में वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे मैं यहां पे वॉइस चेंजर पे क्लिक करूंगा तो फाइव डिफरेंट टाइप्स के वॉइस ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वॉइस चेंजर में नाइट, सेकंड है किड, थर्ड वाला ऑप्शन है एलियन, फोर्थ वाला है रोबोकॉप एंड फिफ्थ वाला है जेन। तो ये फिफ्थ डिफरेंट टाइप्स के वॉइस ऑप्शन है, जिस भी आवाज में आप आवाज बदल करके बात करना चाहते हो जस्ट आप ऐसे टैप करके बात कर सकते हैं। वॉइस चेंजर के राइट साइड में आपको ओरिएंटेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप टैप करके लॉक कर सकते हैं। फिर आप ऐसे राइट साइड में देखोगे तो आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड नीचे आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप लो और हाई कर सकते हैं। तो ये थे सारे गेमिंग फीचर्स जो आपको Realme 9A 5G में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने आपको Realme 9A 5G के गेम्स मोड के बारे में बताया एंड जो गेमिंग फीचर्स है ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जो न्यू फीचर्स एडिट किए हैं लाइक परफॉर्मेंस मोड, वॉइस चेंजर और दो तीन फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस फोन में गेम्स खेलते हो तो सारे ये गेमिंग फीचर्स को जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।